नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। अभी अभी आई ताज़ा खबर मिनिमम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन बहाली पर। सरकार की ओर से अच्छे संकेत, 7 पे कमीशन, लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की न्यूज़ से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 7वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की बड़ी जीत, जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ दिलाने के लिए और 7 पे कमीशन, मिनिमम वेतन और फिटमेंट फैक्टर का जो मुद्दा है उसको अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। रेल कर्मियों की भूख हड़ताल जारी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे कर्मियों के संगठन उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 7वें वेतन आयोग के तहत मांगों को लेकर 3 से 10 दिसंबर के बीच भूख हड़ताल की घोषणा की है। मंगलवार को भी कर्मचारी दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर हड़ताल पर बैठेंगे। इन कर्मचारियों की मांग है कि तत्काल न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये किया जाए, वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। वह पुरानी पेंशन स्कीम की भी मांग उठाई गई है। दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते व पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर कई राज्यों के कर्मचारी 3 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे और हुकार रैली निकालते हुए जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के इस रुख को देखते हुए सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की ओर से सोमवार देर शाम उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया। इस बातचीत में कैबिनेट सचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ दिलाने के लिए कर्मचारियों की इस मांग को अगली कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक को कर्मचारी काफ़ी सफल मान रहे हैं और इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। और दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा ये लेटेस्ट बैनर जारी किए गए हैं 2-डे स्ट्राइक को लेकर, जो 8 और 9 जनवरी 2019 में होने वाली हैं। और इसमें पुरानी पेंशन बहाली और मिनिमम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर बड़े मुद्दे शामिल हैं। और आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2018 को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली में 1 दिन की स्ट्राइक की जाएगी। और दोस्तों देशभर के कर्मचारी संगठनों के संयुक्त प्लेटफॉर्म पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार के कैबिनेट सचिव से हुई बैठक काफ़ी सकारात्मक रही है। वहीं उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव अगली बैठक में ले जाने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भले ही स्कीम का नाम न बदला जाए पर पुरानी पेंशन स्कीम के सभी लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ठेके पर रखे जा रहे कर्मचारियों को लेकर भी पॉलिसी बनाने की बात कही है ताकि कर्मचारियों का शोषण न हो सके। मिश्रा के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम की मांग यदि सरकार स्वीकार कर लेती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत सभी भत्ते दिए जाने, न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने और फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ाए जाने की बात कैबिनेट सचिव के सामने रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूज़फुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।